गाइस कैसे आप सब लोग वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज है डेट 6 ऑफ सितंबर और डे है संडे। मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग बॉय में। लगभग 5 महीने के बाद अब कर्नाटका के बैंगलोर सिटी में फिर से ब्रिजेस पर मेट्रो रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, बैंगलोर की शान नम्मा मेट्रो, इसका अर्थ है हमारी मेट्रो, अब फिर से ब्रिजेस पर दौड़ती हुई नजर आएगी। अब मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एट प्रेजेंट नम्मा मेट्रो की दो लाइनें हैं, एक है पर्पल लाइन और यू कैन कॉल इट एज पिंक लाइन, और एक और है ग्रीन लाइन। सो अब पर्पल लाइन है जो 7 सितंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रही है, और ग्रीन लाइन जो कि 9 सितंबर यानी वेनसडे से शुरू होगी। इस मेट्रो को कुछ दिनों के लिए दो फेज में चलाया जाएगा, एक सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और एक और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। सो ये दोनों फेसेस सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही चलाया जाएगा। उसके बाद मेट्रो की दोनों लाइन ग्रीन और पर्पल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक चलेगी। सो अब मैं आप सभी को एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि हर पैसेंजर को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करने जा रहे हैं। सो इस पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए और समझें। चलिए अब मैं आप सभी को पॉइंट्स बताता हूँ। सो पैसेंजर्स को फेस मास्क पहनना होगा। हर स्टेशन पर पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा बाई द सिक्योरिटी स्टाफ। पैसेंजर्स अपने पॉकेट्स में मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को कैरी नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ लिमिटेड पैसेंजर्स ही लिफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जब भी कोई पैसेंजर्स एस्केलेटर यूज कर रहा हो, देन मेक श्योर कि उसमें एक स्टेयर खाली हो। पैसेंजर्स को टोकन कॉइन्स नहीं दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ टोकन कॉइन्स आप सभी को मेट्रो का स्मार्ट कार्ड यूज करना होगा। जिस किसी पैसेंजर के पास मेट्रो का स्मार्ट कार्ड नहीं है, सो वे किसी भी मेट्रो स्टेशन से स्मार्ट कार्ड को ले सकते हैं, बट स्मार्ट कार्ड का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे एक्सेट्रा। हर स्टेशन पर सैनिटाइजर का स्टैंड अवेलेबल रहेगा टू सैनिटाइज योर हैंड इन दिस मेट्रो स्टेशन प्रीमिसेस। और पैसेंजर को एडवाइस किया गया है टू कैरी ए मिनी सैनिटाइजर बॉटल विद देम टू सैनिटाइज देयर हैंड फ्रीक्वेंटली। सभी पैसेंजर्स को येल्लो मार्किंग पर ही खड़े होना है फ्रॉम एंट्री गेट टू द एग्जिट गेट वाया प्लेटफॉर्म। पैसेंजर्स को स्टेशन के प्रीमिसेस के अंदर 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 50 पैसेंजर्स को ही अलाउ करेंगे एट ए पर्टिकुलर टाइम। मैक्सिमम 400 पैसेंजर्स को ही ट्रेन में अलाउ करेंगे। अगर जिस किसी भी ट्रेन में 400 पैसेंजर्स से ज़्यादा है तो वो ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन तक स्किप करेगी। अगर किसी भी स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई तो वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुकेगी नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट इट विल स्किप दैट स्टेशन। पैसेंजर्स को मेट्रो के अंदर मार्क्ड सीट्स को खाली रखना होगा। अगर जिस किसी भी पैसेंजर को खड़े रहना है सो वे मार्क्ड एरिया पर ही खड़े रहे। हर स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकेगी। सिर्फ इंटरचेंज स्टेशन मेजेस्टिक पर ये ट्रेन 75 सेकेंड्स के लिए रुकेगी ताकि पैसेंजर्स ट्रेन से उतर सके और ट्रेन में चढ़ सके। आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं हर ट्रैवलिंग अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में शेयर करता हूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।